रो रहा हूँ जी। और क्या आवाज़ आ रही है, आ भी रही है कि वैसी फकत कट रहा है। पूरे जापान में ना तीन कैसल सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा फेमस है। एक ये कुमामोतो वाला कैसल है, एक मत्सुमोतो वाला कैसल है जो नागानो में है, और एक है हिमेजी कैसल। ये कैसल के अंदर तो अब कुछ खास ऐसा एनी म्यूजियम सा बना रखा, पूरा आधुनिक लिफ्ट विफ्ट लग रही है और खींच के सीढ़ी वीढ़ी है। और ये टूट भी गया था ना, इसकी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये 1607 में कंप्लीट हुआ था बन के, और अब तक है कंप्लीट। और जब 2016 में तो अर्थक्वेक आ गया था तो टूट गया था। उससे पहले क्या था, बहुत ही कम ऐसे कैसल है जापान में जिनकी अभी तक वो 1600 पहले की जो कंस्ट्रक्शन है ना वो बची हुई है। बीच में टूट टाट जाते, रिपेयरिंग के लिए पार्ट्स बदल जाते हैं, पर अभी भी काफ़ी हद तक इसकी पुरानी कंस्ट्रक्शन बची हुई थी, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ज़बरदस्ती हाथ वाथ सदे कैसे यहाँ जाओ वहाँ जाओ करके टिकट खरीदवा दी 800 या इनकी। अब तो अंदर जाना ही पड़ेगा, अंदर से बढ़िया ही बन रहा होगा, अंदर से नहीं टूटा होगा तभी टिकट दे रहे हैं। चार सौ साल पुराना कैसल है यार, इम्पोर्टेंट तो हो गई। इसको बनाया था, उसका नाम था कातो करके कोई था, कातो कियोमासा, हाँ उसने बनाया था खींच के एकदम। यहाँ से आ रहे कंप्लीट फ्रंट व्यू, अच्छा लग रहा है। सारा ही टूटा पड़ा है यार। चल ठीक है, 800 या ना अगर सारे लोग देंगे तो इसकी जो रिपेयरिंग हो रही है जल्दी हो जाएगी। कैसल के अंदर भी कथे मॉल वाली सीढ़ियां लग रही है एकदम चकाचक। कैसल के अंदर लिफ्ट लग रही है, और अच्छा ही है ना, बूढ़े बूढ़े लोग जो होते हैं या व्हील चेयर वाले लोग आ सकते हैं। कैसल तो क्या है, म्यूजियम सा बना हुआ है पूरा। मैं पूरी इस कैसल की हिस्ट्री समझाई जा रही है, मैं भी बता दूंगा शॉर्ट में। असली कार भराई जो कुआमोतो का लॉर्ड था या राजा। ये ऑब्जर्वेशन डेक छठे फ्लोर पे है, यहाँ से बढ़िया व्यू मिलता है नीचे। यहाँ से जब युद्ध हुआ करता था पहले, यहीं से ऊपर चुप खड़े रहो और देख लो वहां से आ रहा पल्ली पहाड़ी से, और यहीं से बम फेंक के मार दो, कितना एडवांटेज होता है ना हाइट पे पहाड़ों वहाड़ों पे। उसकी तो ड्यूटी यही लगा रखी है, जो भी ऊपर जाएगा उसको यही बोल रहा है गुड मॉर्निंग, ये सबसे ऊपर की जगह है, गुड मॉर्निंग, ये सबसे ऊपर की जगह है। तो ये अंदर से तो कुछ खास है नहीं, हिस्ट्री विस्ट्री बताएंगे वो तो कोई भी विकीपीडिया से पढ़ सकता है, पर हाँ अगर वो फीलिंग है ना कि जैसे कंस्ट्रक्शन टूट गई थी इसको वापस रीबिल्ड करने में हेल्प करनी है, तो एंट्री टिकट लगेगी 800 येन, मतलब 500 रुपये के आसपास, उस वाली फीलिंग से ज़रूर आ सकते हैं। और उस वाली फीलिंग से आना भी चाहिए यार। मुझे पर्सनली यार जितने भी जापानी स्टाइल के कैसल होते हैं ना, सबका स्ट्रक्चर तो सेम सा ही लगता है, साइज का फ़र्क होता है बड़े छोटे का, पर हाँ वो कैसल अच्छे हैं जो अंदर से भी लकड़ी वकड़ी वाले ना, अभी पुराने ज़माने के कई जगह है, जैसे मात्सुयामा कैसल है एक एहिमे केन में, एहिमे प्रीफेक्चर में एक मात्सुयामा कैसल है, वो अभी भी अंदर लकड़ी का है, उसमें तो आती है कैडी से फील, उसमें सामुराई की तलवारें वलवारें भी रखी हुई हैं अंदर अभी तक। और बालक डोल रहे हैं। हेलो, हाउ आर यू?
Hello. Hello. How are you? Hello. How are you? Samurai. बैठा हुआ है, जैसे सामुराई तो तलवार वलवार चलाते थे बहुत कैडी, तो अगर उसकी तलवार हटा दो उसके हाथ से तो एक गांव का ताऊ अपनी लठिया से उसकी मार लगा सकता है कि नहीं लगा सकता। ऐसे बतेरे होंगे ना जिन्हें लगता है कि सामुराई अपनी तलवार हटा दे बस और हाथ घूसे उसे लातों से लड़ ले तो मैं तो पटक के मार दूँ उसको। मुझे ऐसा लगता था पहले। फिर मैं तो ये जापान में बहुत सारी जगह घूमा वूमा हुआ ना, तो मैंने देखा था कि वो किस तरह से ट्रेनिंग करते थे। वैसे ही एक फौजी की ट्रेनिंग होती है प्रॉपर, वैसे ही डिफेंस वालों की एकदम वैसे ही ट्रेनिंग होती थी इनकी भी। तो भैया एक रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग करने वाले आदमी को एक आम इंसान तो नहीं मार सकता है यार। तो अभी तक का जो मेरा टूर था ना वैसे था शहरों के बीच में, ये जैसे किला देख लिया वो एटॉमिक बॉम्ब का वो था, और मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं था, नेचर से जुड़ा नेचुरल। बस यहाँ से शुरू होगा असली सफ़र, वॉल्केनो होंगे, झरने वरने, समुंदर, पहाड़, बहुत कैड़ा मजा आएगा। मुझे एक्साइटमेंट अब यहाँ से है, उससे पहले इतनी कुछ खास एक्साइटमेंट थी नहीं, क्योंकि शहर ना यहाँ पर जापान में शहर ना सारे एक जैसे से हैं, रोड़े चकाचक है, सब बढ़िया है, रोड़े चकाचक, ट्रैफिक अच्छा, पॉल्यूशन थे वैसे इतना कम है। मेन तो मैं कुमामोतो में आऊँ माउंट आसो के लिए, माउंट आसो है जो फटा है वॉल्केनिक है, अभी पिछले महीने फटा है, तो वो देखना था। और उसके वहाँ पर कुमामोतो में एक बहुत बड़ा वो है झरना, वाटरफॉल, बहुत कैड़ा है वो। तो वो रास्ते में जाते समय की छोटी मोटी चीज़ें देखता जाता हूँ, कवर कर लूँगा, कभी मैंने देखा नहीं था, चेक लग जाता कि हाँ ये भी देख रखा है। फिर वैसे नहीं हो तो आँख बंद करके सुआ मार दे जापान के मैप में, मैं वहाँ भी जा चुका हूँ। हेलोवीन मना रहा है कि यहाँ का स्टाफ है पता ही नहीं पड़ रही। यहाँ पर वैसे रहते हैं सामुराई वामुराई कपड़े वपड़े पहन के, फोटो वोटो खिंचवा लो उनके साथ। मैंने पार्ट टाइम जॉब भी कर रखी है और फुल टाइम जॉब भी कर रखी है ऐसी वाली एक बार। खुल गई है सारी दुकानें, भूख लग तो रही है यार बहुत कैडी सी, पर ये सारी वैसी है। ओमी आगे नहीं होता, सोवेनियर की दुकानें हैं यहाँ से, मिठाई के डब्बे वगैरह ये सब ले जाओ, तसल्ली से बैठ के खाने की जगह मिल जाए। भैया ग्रीन टी की आइसक्रीम, ग्रीन टी की केक, ग्रीन टी का हर चीज़, ग्रीन टी का शौक है ना तो फिर इसके ऊपर जगह नहीं होगी कोई। खाने में यार फिश के, बीफ के, पॉर्क के, ये सारे आइटम भरे पड़े, वेज वुज खाना हो तो कुछ नहीं कर सकते। बाकी यहाँ खा लेते तो ठीक है, ऑप्शन तो अच्छे हैं, मुझे खाना पेट भर के तो मैं दूसरी जगह जाऊँगा। ये टूरिस्ट स्पॉट है ना, टूरिस्ट स्पॉट पर तो यार महंगा ही होता है। तेल खत्म हो रहा, तेल भी डलवाना है। सोयर, जापानीज़ खाए जा रहे थे दिन से। तभी मैंने यहाँ पर कुमामोतो सिटी में एक वो देखा, उसकी रेस्टोरेंट की बहुत रिव्यूज़ अच्छे दिखे हुए हैं उस पर जा, उस पर रोटी वोटी चपाती वगैरह मिल जाती है यहीं पे ही है, तो उस पर जाके बढ़िया पेट भर के खाता हूँ, क्योंकि लंबा सफ़र है मेरा अभी उसके बाद का, उसके बाद पता नहीं खाने को क्या मिले क्या ना मिले, तो ऊपर तक भर लेता हूँ पहले ही। गिलास बचा है।